वेलकम टू आवर चैनल किड जोन। आज हम आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी कहानी सुनाने वाले हैं, जिसका नाम है द मंगूस एंड द पंडित्स वाइफ। चंदनपुर नाम का एक छोटा और सुंदर सा गांव, जहां एक पंडित अपनी पत्नी और बच्चे के साथ रहते थे। एक दिन पंडित जी एक मंगूस के बच्चे को घर ले आए। अरे ये देखो मैं क्या लाया, आज से ये हमारे परिवार का सदस्य होगा। अरे ये तो एक जंगली जानवर है, यह हमारे बच्चे के लिए खतरनाक हो सकता है। अरे तुम बिल्कुल चिंता मत करो, ये कितना छोटा और प्यारा सा है, हमें इससे कोई खतरा नहीं। अच्छा ठीक है, तो मैं आज से इसे अपने बच्चे की तरह पालूं। उस दिन रोज की तरह पंडित जी अपने काम से बाहर गए। बच्चा, पत्नी और मंगूस घर पे ही थे। पंडित जी की पत्नी को दूर तालाब पर पानी भरने जाना था। उन्हें थोड़ी घबराहट हो रही थी, तभी उसने मंगूस को अपने पास बुलाया और समझाया, देखो मैं काम से बाहर जा रही, थोड़ी देर में लौटूंगी, तब तक तुम खुद का और बच्चे का ध्यान रखना। ये कहकर पंडित जी की पत्नी चली गई। मंगूस और बच्चा घर पर अकेले थे, तभी मंगूस को अचानक से एक आवाज आई। उसने देखा कि एक बड़ा सा सांप बच्चे की ओर आ रहा है। तभी उसे पंडित जी की पत्नी की बात याद आई और उसने जाकर उस सांप को दबोच के मार डाला। उसी वक्त पंडित जी की पत्नी घर की तरफ आती हुई दिखाई देती है और मंगूस भागकर उनके पास जाता है। मंगूस के चेहरे पर लगा खून देखकर पंडित जी की पत्नी डर जाती है और कहती है, तुझे मेरे बेटे का ध्यान रखने कहा था और तूने उसी को मार डाला। और गुस्से में आकर बिना सोचे समझे वो पानी से भरा मटका मंगूस के सर पर मार देती है और भागती हुई कमरे के ओर जाती है। कमरे में बच्चा हंसता खेलता दिखाई देता है, पर उसी के पास एक बड़ा सा सांप मरा पड़ा होता है। तब उसे समझ आता है कि मंगूस पर लगा हुआ खून बच्चे का नहीं बल्कि उस सांप का था। मंगूस ने उसके बच्चे की जान बचाने के लिए ही इस सांप को मारा। ये देखते ही वो भागती हुई बाहर मंगूस के पास आती है, पर अफसोस तब तक मंगूस मर चुका होता है। ये देखकर पंडित जी की पत्नी को बहुत तकलीफ होती है और वो रोने लग जाती है। तो हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें कोई भी काम जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए, जल्दबाजी से किया हुआ काम सिर्फ नुकसान ही देता है। फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो ये थे हमारी आज की स्टोरी। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल।